जनपद गोड़ा के सालपुर चौकी प्रभारी पर बड़ा आरोप। जनपद गोड़ा के सालपुर चौकी प्रभारी पर एक गरीब मजदूर के ग्राम प्रधान के कहने पर जमकर पिटाई करने का आरोप सामने। पीड़ित युवक न्याय की गुहार लगाने पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। ब्यूरो रिपोर्टर हामिद अली। क्या मामला है, किस वजह से यहाँ आए आप? किस वजह से यहाँ आए? हमको मारे हैं सर, काम कर रहा था, मैं मजदूर हूँ, हमको पुलिस लोग बहुत मारे हैं। क्यों मारे हैं? हम मिट्टी पाड़ रहे थे, इसके लिए गांव के विरोधी लोग फोन लगा दिए, इसके वजह से हम ग्राम प्रधान लोग राजकिशोर हैं वो फोन लगा दिए, हमको लेकर चले गए पुलिस लोग, वहाँ से बहुत मारे हैं हमको। किस गांव का मामला है? अच्छा, आपका? मेरा नाम है परदेशी बाबा कन्हैया। क्या मामला है, आप यहाँ किस वजह से आए? इस वजह से आया साहब कि मैं घर बनवाया था और मेरे सामने मिट्टी गिरवाया जा था, अपने आशी तला ली और मिट्टी गिरवा के अपने मजदूर लगा के अंदर ले जा रहे थे और थोड़ा दरवाजे पे मेरे खड्डा है तो खड्डा में माटी गिर गई, तो विपक्ष वाले और ग्राम प्रधान बोलता है कि ये तालाब है, तालाब बगल में है सारा, और मैं बोला कि मेरी ये तालाब नहीं है, मेरे बाप दादे की ज़मीन है पहले से, थोड़ा खड्डा है तो मिट्टी गिर गई है, तो मैं मिट्टी हटा लूँगा, अपने घर में ले लूँगा, बचेगी तो अपने दरवाजे पाट लूँगा। यही समस्या था। वो प्रधान ने पुलिस वाले को बुलाए कर और फ़ोन किया, उनको 30,000 रुपया दिया है प्रधान ने, और गांव के बाद के जो जो मुलजिम हैं विपक्ष वाले ये लोग सब चंदा लगाए गए, ब्राह्मण लोग हैं, और चंदा लगा के पैसा दे दिए और दरोगा जी आए कर पकड़ के लड़के को लेके गए, इसको बहुत बुरे हाल से मार दिए। उनको पकड़ना था तो मेरे को पकड़ना था ना, तो उनके पास मैंने 4 दरख्वास्त दिया 5 दरख्वास्त दिया और मेरे दरख्वास्त नहीं आए तो उसके दरख्वास्त कैसे आए? मैंने उनके एस पी साहब के यहाँ 4 दरख्वास्त दे चुका हूँ, ऑनलाइन के भी कर चुका हूँ, सब मेरे पास पूरा कागजात है इधर खास में। ये आपके कौन है? ये मेरा भतीजा लगता है, पटीदारी का।